हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्चुअली में प्लांटेशन क्रॉप होती क्या है। प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं जिनको लार्ज एरिया पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। प्लस में इसमें तीन मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में ही। ऐसी क्रॉप्स जिनको लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है, प्लस सेकंड जो है वो क्या है, जिनको हम प्रोसेसिंग के बाद ही कंजप्शन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग से पहले उनका कोई यूज़ नहीं हमारे कंजप्शन के रूप में, ठीक है। ऐसी क्रॉप जो लार्ज एरिया पे ग्रो होती हैं, लार्ज एरिया पे कल्टीवेट होती हैं, ठीक है, और जिन्हें हम प्रोसेसिंग के बाद ही कंजप्शन कर सकते हैं। और थर्ड जो है उससे जो क्या होता है, हाई रिटर्न वैल्यू मिलती है। जो रिटर्न वैल्यू है वो हमें, हमारा खर्चा भी लगता है और रिटर्न वैल्यू भी जो है वो हमें क्या मिलती है, हाई मिलती है। तो ये जो है ये क्या है, ऐसी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है। क्लियर हुआ आपको, क्लियर है ये चीज। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप की। अब प्लांटेशन क्रॉप को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लाइक ब्रिवरेजेस वाली अलग है, ऑयल यील्डिंग क्रॉप जो होती हैं वो अलग हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ब्रिवरेजेस क्रॉप है, सेकंड ऑयल यील्डिंग क्रॉप है, थर्ड जो है वो नट क्रॉप है जो नट के रूप में यूज़ लेते हैं, फोर्थ जो इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसका यूज़ इंडस्ट्री में लिया जाता है, सारी प्लांटेशन क्रॉप के इंक्लूडिंग। और है मेस्टिकेटरी क्रॉप्स, ये वो होती हैं च्यूंगम टाइप, जिनको आप च्यू करते हैं, यानी जो सुपारी होती है वो क्या, चबाने के काम आती है। और जो बीटल वाइन है वो क्या है, पान, ठीक है। पान क्या करते हो, च्यू करते हो ना, खाते हैं पान। क्लियर हुआ। देखिए ये इंट्रोडक्शन चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से याद करनी है। बात की जाए ब्रिवरेजेस में, यानी पेय पदार्थ में, ब्रिवरेजेस क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। इसमें जो यूज़ की जाती है वो क्या है, टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है। कोकोआ का आपको पता है क्या बनता है, चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं ना, कोको पाउडर बनता है। और कॉफ़ी का आपको अच्छे से पता है। बात की जाए टी की, तो टी तो हमें पता है इंडियंस की जान होती है ना। इंडियंस ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में टी का कंजप्शन अच्छा खासा है। आप बात करते हैं इंडिया जो है वो प्लांटेशन क्रॉप में लीड करता है, ठीक है। लीडिंग कंट्री है क्या इंडिया प्लांटेशन क्रॉप में, क्लियर है। बात करते हैं ऑयल यील्डिंग क्रॉप की, तो ऑयल आपको पता है किससे निकलेगा, कोकोनट से निकलेगा और पाल्मीरा पाम से निकलेगा, और क्या, ऑयल पाम से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ऑयल यील्डिंग है। पाल्मीरा पाम की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें टोडी बनती है। टोडी एक ऐसा प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं अल्कोहल, जिसमें देसी मतलब टाइप का, ठीक है। तो इसका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो क्या है, टोडी है, ठीक है। नीरा होता है, फिर उसके बाद टोडी बनती है, हम प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। बात की जाए नट क्रॉप की, नट क्रॉप में आपको पता है कौन सी आएगी, कैश्यू नट। क्या है, कैश्यू नट। कैश्यू नट का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो आपको पता है क्या है, फेनी है, ठीक है। गोवा में काफ़ी बार यूज़, काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है फेनी का, ठीक है। तो कैशू का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो क्या है, फैनी है। और आपको पता है कैशू नट तो एनाकार्डियसी हमारे इंडिया में हाईली, इसमें क्या है, रोस्टेड जो है प्रोसेसिंग करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोस्टेड कैशू नट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। बात की जाए अब इंडस्ट्रियल क्रॉप की, इंडस्ट्रियल क्रॉप में आपको पता है कौन है, रबर है, ठीक है। टायर वगैरह बनाने में, बाकी सारे प्लांटिंग आपको पता है लेटेक्स जैसा निकलता है ना, और फिर बाद में प्रोसेस्ड करने के बाद उसका मल्टीपल यूजेस, बहुत बहुत सेक्टर में अलग अलग यूजेस हैं रबर के। बात की जाए मेस्टिकेटरी क्रॉप यानी च्युइंगम टाइप क्रॉप, तो वो कौन सी है, एरेका नट यानी सुपारी है, और क्या है, बीटल वाइन है, बीटल वाइन यानी पान, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हमने कुछ कैटेगरी में, पाँच कैटेगरी में से डिवाइड किया है, ब्रिवरेजेस, ऑयल यील्डिंग, फिर जो थर्ड है नट है, फिर उसके बाद में आपका क्या है, इंडस्ट्रियल है, और फिर उसके बाद में क्या है, मास्टिकेटरी यानी च्युइंगम टाइप का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम इससे रिलेवेंट प्लांटेशन क्रॉप के जितने भी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च स्टेशन है, उनकी बात कर रहे हैं। उन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट से प्लांटेशन में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट हम याद करते हैं। बात की जाए, आपको पता है हमारे यहाँ प्लांटेशन क्रॉप का जो मोस्टली एरिया है, नॉर्थ की बजाय कहाँ है, साउथ में ज़्यादा प्लांटेशन क्रॉप ग्रो होती है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ होंगे, वहीं पे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है, रिसर्च स्टेशन ऑन प्लांटेशन क्रॉप एंड ब्रिवरेजेस
क्रॉप, क्लियर है? देखिए फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कोकोनट की। किसकी बात करेंगे, कोकोनट की बात करते हैं, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, कसरगोड केरला में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको याद होंगे प्लांटेशन क्रॉप में ही बात की जाए कोकोनट की, कोकोनट का जो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, कसरगोड केरला में, ठीक है। अब हम दूसरा याद करते हैं रबर, रबर का भी कहाँ पे है, केरला में ही है, ठीक है। दो जो इंस्टीट्यूट है वो केरला में है डायरेक्ट, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, कोट्टयम केरला में, कोट्टयम केरला में, ठीक है। एक तो कहाँ है, हसरगट्टा केरला कोकोनट का, कोट्टयम केरला में किसका है, रबर का है, ठीक है। क्लियर हुए दो। अब हम बात करते हैं एरेकानट, एरेकानट यानी सुपारी की, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, इसका जो रीजनल रिसर्च स्टेशन जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है विट्टल कर्नाटका में, कहाँ है, विट्टल कर्नाटका में। क्लियर हुआ, किसका है ये, ये है आपके अरेका पाम और कोकोआ, ये दोनों एक ही जगह हैं, ठीक है। कहाँ पे, CPCRI फॉर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन विट्टल कर्नाटका। देखिए विट्टल कर्नाटका में जो दो इंस्टीट्यूट है, एक तो है आपका किसका, एरेकानट, और प्लस जो दूसरा है वो किसका है, वो है कोकोआ का। इन दोनों का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, विट्टल कर्नाटका में। क्लियर हुआ है आपको। अब बात करते हैं कैश्यूनट, बड़ा ही फेमस है, आता है डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यूनट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यूनट रिसर्च कहाँ है, पुट्टूर कर्नाटका में, कहाँ है ये पूछा जाता है काफ़ी बार, पुट्टूर कर्नाटका में। अब ऑयल पाम की बात करते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर यानी NRC फॉर ऑयल पाम कहाँ सिचुएटेड है, इलूरू पेंडावेगी आंध्र प्रदेश, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश AP, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। बात की जाए पाल्मेरा ऑयल की, पाल्मेरा पाम की, तो वो कहाँ है, श्रीवेंद्रपुत्तूर तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु में। और टी का भी कहाँ है, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया जो है वो इसका नाम बाक में, ये कहाँ है, वेलपरई तमिलनाडु, वेलपरई तमिलनाडु, तमिलनाडु में दो हैं, तमिलनाडु में क्या है, दो हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है, पाल्मेरा पाम है, पाल्मेरा पाम, और दूसरा जो है वो क्या है आपका, वो है आपका टी। चाय का कहाँ है, तमिलनाडु, टी फॉर टी ये फर्स्ट वाला, और बात की जाए ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। थोड़ा सा लिंकअप कीजिएगा, कर्नाटका में कितने थे, केरला में कितने थे, दो थे ना, कोकोनट और रबर, दोनों जगह अलग अलग है याद करने, बट है कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, सॉरी केरला में, सही लिखा था। अब लास्ट वजह है कॉफ़ी का, याद कीजिएगा, सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भले हुनर कर्नाटका, ये भी कहाँ है, कर्नाटका में। हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं वो कहाँ पे, साउथ इंडियन में ही होती है ना, कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश तमिल, ये जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन प्लांटेशन क्रॉप का। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वही है, दो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है हमारे कोकोनट और रबर के, ये कहाँ पे हैं, केरला में है, ठीक है। बाद में अरिका नट और कोकोआ की बात की जाए, ये विट्टल कर्नाटका में है, अरिका नट और कोकोआ, ठीक है, सुपारी और कोकोआ। और बात की जाए कैश्यू नट, आपको अच्छी तरीके से पता है पुट्टूर कर्नाटका में है। फिर आपका कॉफ़ी जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी कर्नाटका में है, बाले हुनर, ठीक है। फिर जो बचा है आपका ऑयल पाम, NRC फॉर ऑयल पाम, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका पाल्मेरा पाम और टी जो है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं।